नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सुविधा में आपका स्वागत है। रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर बॉक्स जब ख़राब हो जाता है तो उसको किस तरह से चेंज किया जाता है, इसके बारे में आज हम डिटेल्स जानकारी लेने वाले हैं। इस फ्रीजर बॉक्स में सुराख होने के कारण इसमें से गैस निकल गई है, तो ये फ्रीजर बॉक्स को निकाल के हमें यहाँ नया फ्रीजर बॉक्स बिठाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले इस फ्रीजर बॉक्स के ऊपरी हिस्से में दो बोल्ट्स लगाए हुए हैं, उनको हमें निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ बोल्ट निकालने के लिए 10 नंबर का टी स्पैनर यूज़ कर रहा हूँ। हर एक रेफ्रिजरेटर में स्क्रू या बोल्ट का साइज़ अलग-अलग भी हो सकता है, या फिर उनका लोकेशन भी अलग-अलग हो सकता है। तो चलिए पहले ये दो बोल्ट्स हम निकाल ले लेते हैं। ये दो बोल्ट्स निकालने के बाद ये जो डोर फ्रेम है और डोर है, ये दोनों आसानी से बाहर निकल आ जाएंगे। इसके बाद इस फ्रीजर बॉक्स को हमें खींच के बाहर निकालना है, लेकिन इसे निकालने से पहले हमें और एक काम करना पड़ेगा। इस फ्रीजर बॉक्स के बॉटम में जो थर्मोस्टेट से आया हुआ एक टेम्परेचर सेंसर लगाया हुआ है, ये सेंसर ट्यूब को हमें पहले निकाल के अलग करना है, ताकि इस बॉक्स को हम आसानी से बाहर खींच सकते हैं। इस फ्रीजर बॉक्स को निकालने से पहले हमें पीछे की साइड में कंप्रेसर से जो सक्शन पाइप है, इस पाइप को हमें काट के अलग करना है, और साथ ही साथ जो कैपिलरी ट्यूब है उसको भी काटना है। अब धीरे धीरे इस फ्रीजर बॉक्स को बाहर की साइड खींच के रेफ्रिजरेटर से अलग करना है। मैंने पुराने फ्रीजर बॉक्स को यहाँ से हटाया है, अभी यहाँ हम नया फ्रीजर बॉक्स बिठाएंगे। ये गोदरेज का ही सेम मॉडल का फ्रीजर बॉक्स है, इसको अभी हम इसमें जिस तरह से पुराना बॉक्स निकाला था उसी तरह से वापस इसी बॉक्स को यहाँ फिट कर देना है।
दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहेगी। बॉक्स अच्छी तरह से बिठाया है। अभी चलते हैं पीछे की साइड। अभी पीछे की साइड जो है, इसका कैपिलरी ट्यूब और सक्शन पाइप दोनों बाहर आ गया है। अभी इसको ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा कट करके सक्शन पाइप को जोड़ देना है। उसके बाद गैस चार्जिंग का जो प्रोसेस है वो हमें पूरा करके इस फ्रिज को चालू करना है। दोस्तों, इसमें गैस किस तरह से चार्ज करते हैं, गैस चार्जिंग का प्रोसीजर किस क्या होता है, इसके लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।